अरे चलो यहाँ से निकलते हैं भाई यार, बहुत देर हो गई, यहीं पर सो गए थे हम लोग। अब यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। अबे ये क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन पे, देख देखने जा रहा हूँ मैं। अबे ये कहाँ आ गया, स्काई ब्लॉक है, मैं इधर कैसे आ गया? अरे भाई साहब, मेरा वर्ल्ड स्काई ब्लॉक में चेंज हो गया यार, ये कैसे हो सकता है? अब मेरे लिए यहीं पर रहना पड़ेगा, और विशेष भी यहीं पर आ गया है, क्या करूँ मैं? और यहाँ पर थोड़े बहुत सामान दे रखा है हमको, और ये छोटे सा आइलैंड है, अब हमें यहीं पर गुजारा करना पड़ेगा। अब भाई साहब, हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ दे रखी है, लावा हुआ दे रखा है और पानी दे रखा है, मतलब आइस। तो पहले तो भैया ये क्राफ्टिंग टेबल तो बनानी ज़रूरी है। मैंने वो पेड़ इसलिए नहीं काटा क्योंकि अगर वो पेड़ में पूरा काट देता तो उसके ऊपर के जितने भी सैपलिंग उपलिंग थे वो इधर उधर गिर जाते, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। और यहाँ पर मैं खोदना चालू कर देता हूँ ये एक लेयर डर्ट की, और डर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम है यहाँ पर डर्ट, और जितनी यहाँ पर दिख रही है उतनी डर्ट है हमारे पास। जब तक हमारे लिए ग्रेवल नहीं मिल जाता तो हम इससे नीचे वाली लेयर भी खोदने लगते हैं, जहाँ पर हमारे लिए बनाना पड़ेगा एक कॉबल स्टोन जनरेटर, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर कुछ काम ही नहीं होगा। तो हम जल्दी से यहाँ पर डर्ट वर्ट खोदते हैं और जल्दी से एक कॉबल स्टोन जनरेटर बनाते हैं, क्योंकि वही काम कर सकता है। तो ये यहाँ पर आइस रख देता है और मैं कहता हूँ उधर साइड रखा जाएगा ये, उधर साइड, लेकिन ये पगला है, रखता ही नहीं है सही से। मैं कहता हूँ उधर साइड रखा जाएगा, तो वो मैं जब उधर ब्लॉक रखता हूँ तब वो रखता है, और वो आगे रख देता तब भी चूतिया, तो मैंने उधर रख दिया। और यहाँ पर ये बन चुकी है, अब इसे तोड़ देंगे इस आइस के ब्लॉक को, फिर बीच में बन जाएगा एक कॉबल स्टोन जिसकी हमें ज़रूरत है, और ये बार बार हम तोड़ेंगे और ये बनता रहेगा, और यही तो हमें चाहिए। तो अब हम जल्दी से, हमारा कॉबल स्टोन जनरेटर तो बन ही गया है यहाँ पर, अब थोड़े बहुत टूल्स भी बना लेते हैं जिसकी हमारे लिए मदद पड़ेगी। तो यहाँ पर जल्दी से थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन माइन कर लेते हैं, क्योंकि इसी की मदद से हमारे लिए पूरा सब कुछ बड़ा करना है, क्योंकि इसके बिना तो भाई काम ही नहीं हो सकता है। ये वन ऑफ द मतलब सबसे काम की थिंग है इस गेम में। तो अब मैं स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, स्टोन के टूल्स बना के मैंने इसे लकड़ी के टूल दे दिए, और स्टोन का टूल खुद रखा है, पता नहीं क्यों पर रख लिया है। और अब मेरे लिए नीचे लगाना पड़ेगा ये, और नीचे जाने का एक ही तरीका है कि भैया सारा सामान मैं रख दे रहा हूँ ऊपर, और बाकी मैं ये पानी की स्ट्रीम से नीचे जा सकता हूँ और मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए मैंने सारा सामान अंदर रख दिया है। तो यहाँ से मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ, मैं इस पगले से कहता हूँ कि ये तोड़ना बंद कर दे, लेकिन तब भी तोड़ेगा, अभी देखिएगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर ब्लॉक तो लगा देता हूँ, फिर मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब ऊपर चले जाऊँ, लेकिन यहाँ पर वो ब्लॉक तोड़ता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। और नीचे गिरने के बाद कैसी किस्मत है, लावा में ही फंसता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, इतनी बुरी किस्मत तो होती नहीं किसी की। तो अब तो यहाँ पर आ गए हैं ऊपर वापस स्पॉन होके, अब ये लकड़ी की पिकैक्स मेरे पास वापस आ गई है, उसने मेरी पिकैक्स उठा ली। और यहाँ पर मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके नीचे एक और ब्लॉक लगाया है जिससे हम एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर पानी नीचे गिर रहा है, उस पानी को मेरे लिए पहले बंद करना पड़ेगा, वरना ये पानी अच्छा ही लगेगा ना देखने में, देखने का सही नहीं है, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं सब अपना खास सामान रख देता हूँ, जितनी भी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे लिए अब फिर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी बंद करना है मेरे को। तो मैं ये पहले तो ये तोड़ लेता हूँ एक ब्लॉक, जो कि मेरे लिए चाहिए होगा नीचे लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर जैसे ही एक ब्लॉक लगाता हूँ वो गलत जगह लग जाता है, और जो हमारा कॉबल स्टोन था मतलब लावा था वो ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा गेम ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। और आज का गेम ख़त्म हो गया है हमारा, बाय। चूतिया बनाया तुमको। तो हम भाई साहब क्रिएटिव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लावा के बिना तो भैया कुछ भी नहीं काम बनेगा। तो भाई सॉरी, मैंने क्रिएटिव इस्तेमाल किया, पर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि ये स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया था। तो आपको उल्लू बनाया उसके लिए सॉरी, पर मज़ा आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा देता हूँ ये, और फिर मैं वापस अपना गेम
सर्वाइवल में करता हूँ। सर्वाइवल में करने के बाद ये मेरे पास वाटर मतलब ये लावा बकेट बचती है, इसमें फेंक देता हूँ। बकेट तो हमारी उसमें रखी हुई है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पर अपना खास का सामान रख देता हूँ, खास का डर्ट। और यहाँ पर मैं स्लैब्स बना देता हूँ जिससे मेरे लिए डबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो इस पे हमारे मॉब्स भी स्पॉन नहीं होंगे, जो कि बहुत सही बात है हमारे लिए, तो क्योंकि हमने मॉब्स स्पॉन नहीं करवाने हैं। यहाँ पर मॉब्स के लिए अलग सा चेम्बर बनाएंगे हम स्पॉन करवाने के लिए। और इसके बनाने के बाद मिलता हूँ। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते नसे तार चिपक गई छाती से। ओम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते नसे तक तक तार है ढीली ढीली। कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे। भाई सब सुबह हो गई लेकिन ये बारिश नहीं रुक रही है। और अब मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने वो पेड़ भी काट दिया जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो उससे सैपलिंग हमें मिले हैं 3-4, तो वही मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक डर्ट लगा दिए और यहाँ पर 4 डर्ट के ब्लॉक्स लगा दूंगा ताकि मैं आराम से पेड़ उगा सकूँ यहाँ पर। जल्दी जल्दी लगाता हूँ, लगाने के बाद ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी 4 लगा देता हूँ और यहाँ से मेरे लिए अपने सैम्पलिंग निकालता हूँ। हमारे लिए एक शुगर केन मिला है जो कि मैं लगा दूंगा बाद में, मेरा दोस्त ही लगा देगा, उससे मैंने कह दिया है, तो वो लगा देगा शुगर केन को। तो यहाँ पर मैं स्लैब दे देता हूँ उसको, ये थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि एक्सपेंड कर लो इस साइड में जब तक मैं ये लगाता हूँ। वो गलती से मार देता मेरे को, उसको इग्नोर करो। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ये अपने सैपलिंग्स लगाता हूँ ताकि हमारे यहाँ पर पेड़ बन जाए, तो कि बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए एक ग्रास ब्लॉक रखना होगा वरना हम ग्रास स्प्रेड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, या तो हमारे लिए एक एंटरमैन चाहिए होगा। तो हमारे लिए ग्रास ब्लॉक तो रखना ही रखना है, बाकी हमारे पास सिल्क टच तो है ही नहीं भाई साहब, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके मामले में। तो अब की बार हम ये डबल वाला बना देते हैं अपना ये कॉबलस्टोन जनरेटर, जिससे हम डबल माइनिंग कर सकते हैं। ये उधर से करेगा, मैं इधर से करूँगा, तो डबल डबल एक साथ काम हो सकता है हमारा। मैं इधर से माइनिंग करूँगा और वो उधर तोड़ के आराम से वहाँ पर माइनिंग कर सकता है, जिससे डबल माइनिंग होगी और हमारा आराम से दुगनी स्पीड से काम हो जाएगा। और यहाँ पर वापस रात हो जाती है और साली ये बारिश रुकी नहीं रही है। तो मैं अपना जो आइलैंड है थोड़ा सही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अनाप शनाप ब्लॉक्स लगा दिए और मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत साइड में भी लगा देने चाहिए। तो मैं इसके लगाने के बाद पर चलने की अच्छी खासी जगह हो गई है और हमारे पेड़ वेड़ भी लग गए हैं। और इसने यहाँ पर एक शुगर केन लगा दिया जो हमें मिला था। और यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी माइनिंग चल रही है, तो मैं इससे कहता हूँ कि भाई माइनिंग कर लो। और हम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम दो लोग हैं, एक लोग माइन कर रहा है कॉबलस्टोन, फिर ये मेरे को दे दे रहा है कॉबलस्टोन, फिर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इस एरिया को, क्योंकि हम एरिया एक्सपेंड करते रहेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया एक्सपेंड होता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर और एक्सपेंड करता हूँ इस एरिया को, और इसे एक्सपेंड करने के बाद ही मिलता हूँ पूरा। तो इसे एक्सपेंड करते करते सुबह हो जाती है और यहाँ पर बारिश भी रुक जाती है। और सामने हमें एक आइलैंड दिखता है, आइलैंड तो नहीं है, पता नहीं डंडी सी है, उसके ऊपर एक सैंड का ब्लॉक रखा है, नीचे वो रखा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बना के जाता हूँ इसके पास में, और यहाँ पर देखता हूँ भाई एक चेस्ट रखा हुआ होता है जिसके अंदर हमारा ऑब्सीडियंस होते हैं जो कि हमें काम पड़ने वाली है नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम जल्दी से एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जिससे अगर हम ये मतलब ऐसे क्या कहते हैं सैंड का ब्लॉक तोड़ें तो ये नीचे पीछे ना गिर जाए, तो वो तो हम ऑब्सीडियम वहाँ से ले आते हैं। और यहाँ पर हम एक नेदर का पोर्टल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ही ऑब्सीडियम थे गिनती के, तो हम आराम से बनाते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो मैं आराम से बिल्कुल बनाऊंगा ये नेदर पोर्टल। और यहाँ पर मैं 2-3 कॉबलस्टोन लेके चलता हूँ, क्योंकि जिस सही से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है बड़े आराम से, और हमारे पास फ्लिंटर स्टील तो है ही नहीं, तो हमारे पास लावा है जिससे हम जला सकते हैं, और बाकी पेड़ के लॉग्स हैं जिससे हम जला सकते हैं इसको। तो
हम पहले तो लावा निकाल लेते हैं, यहाँ से लॉग्स निकाल लेते हैं, और इसे जलाने में साला बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है क्योंकि वो नहीं है, और ये यहाँ पर लगा देता है। और यहाँ पर ये मैं कहता हूँ जल्दी से इसे हटा वरना आग कैसे लगेगी। और ये पता नहीं क्या होता है, यहाँ आग लग जाती लेकिन नेदर पोर्टल पता नहीं क्यों नहीं जलता है, ये पता नहीं क्या नशे करके बैठे हैं माइनक्राफ्ट वाले। और साला ये दिन से रात हो जाती है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है तब भी साला ये नहीं जलता क्योंकि बारिश होनी चालू हो गई है, तो हमारे साला कोई भी साथ नहीं दे रहा है, माइनक्राफ्ट वाले बड़े हरामी हैं। तो यहाँ पर बहुत देर बाद आग लगती है यहाँ पर, लेकिन तब भी नहीं जलता, हरामी है साले। तो मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ यार कि भैया कुछ तो है। बहुत देर तक यहाँ पर वेट करता रहता हूँ पर कुछ भी नहीं होता, तो मैं कहता हूँ खुद छलांग मार के इसके ऊपर चढ़ जा रहा हूँ तभी आग लग जाए, बैठेगी तब भी आग नहीं। पता नहीं भाई साहब मेरे फ़ोन में क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं ले रहा था ये, और उसी पार्ट में पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं ले रहा है, और ये साला जल भी नहीं रहा है, मैं सारा बूढ़ा हो जाऊँगा लेकिन जले अरे हरामी साला। ओ ये भी जल गया, और ये देखो ये साला लड़की बन गया है, क्या करूँ मैं, ये लड़की बन गया है पता नहीं कैसे, पता नहीं यार, मतलब इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा था, ये लड़की बन गया है। तो इधर ये लगाते हैं और यहाँ पर चालू करते हैं काम हम अपना भाई साहब, और यहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन भैया ये यहाँ पर आग क्यों नहीं लगती है, जलता क्यों नहीं, और फिर हम बैठे रहते हैं भाई साहब, और मैं इधर ही घूम रहा होता हूँ, और मैं फिर ऊपर चढ़ता हूँ कि भाई साहब ये जल जाए किसी तरह, लेकिन भाई साहब जल गया ये, इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मेरे को। और इसके अंदर तो हम बाद में जाएंगे, वो आप अगली वीडियो में देखिएगा।